हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, कुछ दिनों पहले से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स ये कमेंट कर रहे थे कि उनके फीमेल डॉग्स में एक स्पेसिफिक तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है जिससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनाने को कहा जा रहा था। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो में पेशेंस बनाकर रहे, ताकि आपको जब इस वीडियो में आप ज़्यादा वक्त दोगे तो आपको बहुत चीज़ इससे सीखने को मिलेगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे जो मतलब डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा और आगे आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा भी मिलने वाला है। इसलिए फटाफट इस वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जिस तरह इस वीडियो से हेल्प मिले उस तरह हमें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस तरह आप में से कई लोग अभी कुछ दिनों से कमेंट कर रहे थे कि उनकी फ़ीमेल डॉग्स में ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज उसके बारे में मैं बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि आपने थंबनेल में भी ये देखा होगा कि मैंने थंबनेल जो हमारा बना है उसमें इसी टॉपिक से का जिक्र किया गया है। तो इस पर हम यही बात करेंगे कि फ़ीमेल डॉग्स में ब्लीडिंग जो होता है उसे कैसे स्टॉप करें, वो ब्लीडिंग क्या है, उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्लीडिंग होता है फीमेल डॉग्स में, ये कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उनके लिए ये हैप्पी न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए ये बैड न्यूज़ है। तो ये दोनों टाइप के लोगों के बीच में मैं डिफ्रेंस बताऊँगा कि क्या है जिससे कि लोग हैप्पी हो जाते हैं यही सेम ब्लीडिंग से और कुछ लोग इससे सैड हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अगर मैं आपको एक आम तौर पर बता दूं तो फीमेल डॉग्स में ब्लीडिंग बहुत ही एक नेचुरल है। जैसे डॉग पी या पॉटी करता है उसी तरह डॉग्स में ब्लीडिंग भी कॉमन है, खास करके फीमेल डॉग्स में। फीमेल डॉग्स में ब्लीडिंग जेन्युइन है क्योंकि जब फीमेल डॉग्स मैच्योर होती है, जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आती है, एडल्ट होती है, तो क्या होता है कि उसका नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह मेंस पीरियड आता है। जब पीरियड आता है उस समय उसका ब्लीडिंग होना जायज है, वो ब्लीडिंग करती ही है, इसका आप कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई फीमेल डॉग्स अगर ब्लीडिंग ना करें तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत है, ना कि आपकी फ़ीमेल डॉग्स में ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसके लिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये नेचुरल है, आप प्लीज़ नेचुरल को नेचुरल ही रहने दीजिए। हाँ, इसे आप मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जिससे आप अपने फीमेल डॉग्स को मैनेज कर सकते हो कि उसका ब्लीडिंग मतलब कम हो, या अगर हो भी तो उसे मतलब हमें परेशानी ना हो। क्योंकि देखो, नॉर्मल से अगर डॉग पी या पॉटी भी करता है उसे भी तो आप बाहर ले ही जाते हो, तो इसका भी कुछ आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मतलब क्या इसका सॉल्यूशन है जिससे कि आप अपने डॉग्स में यूज़ करके इसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि मैं जेन्युइनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सही में ऐसा थोड़ा अनहाइजेनिक लगता है, क्योंकि फीमेल डॉग्स जब घर में इधर उधर घूमती है हीट के दौरान, उस समय क्या होता है कि ब्लड ड्रॉप्स आपको इधर उधर गिरे हुए मिल जाएंगे। उससे क्या होता है कि घर वालों को भी प्रॉब्लम होता है और थोड़ा खुद को भी हाइजेनिक लगता है, क्योंकि वो जो उसके बॉडी से ब्लड आ रहा है वो बहुत ही इम्प्योर ब्लड है, उसकी बॉडी की गंदगी बाहर आ रही है। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए। और अगर हम बात करें कि जिन लोगों को ये ब्लीडिंग अच्छा लगता है, मतलब वो उनके लिए हैप्पी न्यूज़ है, वो खास करके ब्रीडर होते हैं जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं अपनी फीमेल डॉग से, या अपने घर में जो फीमेल रखे हैं उन्हें मन है कि उनके घर में एक बार छोटे छोटे हेल्दी पप्स आए। तो इसके लिए क्या होता है कि जब फीमेल डॉग्स ब्लड डिस्चार्ज करती है तो उस समय उनके बॉडी में जो ओव्यूम फॉर्म होता है वो बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, मतलब अंगूर के गुच्छे की तरह फॉर्म होता है। जब उस समय जब उसकी ब्लीडिंग के बाद आप मेटिंग करवाते हो तो फिर आपके घर में अच्छे अच्छे लीटर पप्पी आते हैं जो कि आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होते हैं। आप उसे सेल कर सकते हो, बहुत आपके पास स्कोप होता है, आप लोगों में देते हो तो आपका कॉन्टैक्ट बढ़ता है। बहुत लोग इसे बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। तो अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि फीमेल डॉग्स में ब्लीडिंग नहीं होता है, 5 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसके बाद नहीं होता है, तो ये बल्कि और प्रॉब्लम का वो है, क्योंकि फीमेल डॉग्स मतलब उस समय आपकी फीमेल डॉग साइलेंट हीट पर है। उसके लिए हमारे टीम से आप कंसल्ट कर सकते हो, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आपको कंसल्ट किया जाएगा, आप क्या मेडिसिन दे सकते हो जिससे कि आपकी फीमेल डॉग्स टाइम पर हीट पर आए। क्योंकि देखो, जब फीमेल डॉग्स अगर हीट पर नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है। इस चीज़ को आप मतलब बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं हमारे मार्केट में, वो देकर उसे ठीक कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि फीमेल डॉग्स को अगर हमें मतलब एकदम ही हमें ब्लीडिंग नहीं चाहिए, हम अपनी फैमिली में रख सकते हैं, क्योंकि फीमेल डॉग क्या होता है ना, मेल डॉग के कंपेयर बहुत समझदार होते हैं। इसलिए बहुत लोग अपने घर में फीमेल डॉग को रखना ज़्यादा पसंद करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल डॉग। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि बाहर चले जाते हैं, उनके घर में मम्मी पापा रहते हैं, तो चाहते हैं कि एक ऐसा समझदार डॉग रहे जो कि उनका घर में केयर भी करे और वो ज़्यादा खुद केयर ना मांगे, तो इसलिए लोग ज़्यादा फीमेल डॉग्स प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए फीमेल डॉग्स रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो कि उसमें आप एकदम ही ब्लीडिंग नहीं चाहते हो
तो उस केस में आप उसे अनस्प्रे करवा सकते हो। अनस्प्रे मतलब होता है कि जब वो एडल्ट पीरियड में आना शुरू होती है, उसका स्टार्ट होता है, उस समय आप अपने फीमेल डॉग्स का ऑपरेशन करवा सकते हो। बहुत सारी NGOs में भी किया जा रहा है, डॉग मेल डॉग फीमेल डॉग दोनों का होता है। आप ऑपरेशन करवा कर उसे, एक तरह से उसे नसबंदी कहते हैं, आप वो करवा दोगे तो क्या होगा कि फीमेल डॉग जो है वो आगे उसका मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा, उसे वो कभी हीट में फिर दोबारा नहीं आएगी। और अगर हम बात करें, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आगे ब्लीडिंग को मैनेज करने का ट्रिक बताऊंगा, तो आप अपने मार्केट में एक डॉग का डायपर आ रहा है जो कि आप हीट के दौरान अपने डॉग को यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि उसके पूरे टेल वगैरह के लिए, आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख कर समझ सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ जहाँ कि आप अच्छे से उसे परचेज कर सकते हो और उसे आप यूज़ कर सकते हो। उसमें यूज़ करने का भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। उसमें बहुत ही सिंपल है, जैसे बच्चों को आप डायपर पहनाते हो उसी तरह डॉग्स में भी पहनाना रहता है। और उसे बस यही है कि आपका जो हीट का पीरियड रहता है, मैं आपको बता दूं कि स्मॉल डॉग्स में 9 to 10 days या आप अप्रॉक्स सभी डॉग्स में 13 days का मानो, फर्स्ट डे से जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ उस दिन से 13 days तक ड्रॉप एक बार बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। 13 days तक लाइटली ब्लड आएगा, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, लार्ज ब्रीड में कई बार 20 दिन तक हीट पीरियड जाता है, तो उसमें आप गौर करते हो कि जब डॉग हीट में आता है, जब फीमेल डॉग हीट में आती है, तो खुद से एक कोने अपने प्राइवेट प्लेस में जाने की कोशिश करती है, अपना एक प्राइवेसी रखना चाहती, क्योंकि उसे भी पता है कि जब मैं बाहर अगर इधर उधर वो घूमती है तो उसे ब्लड ड्रॉप फैलता है। लेकिन हर हमेशा वो एक जगह बैठे नहीं रह सकती, जब वो बाहर घूमने को निकलती है उस समय ब्लीडिंग कई बार हो जाता है। इसके लिए आप डायपर, डॉग डायपर यूज़ कर सकते हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको दिन में एक बार उसे चेंज करना रहता है, फिर आप अगले दिन उसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आपके साथ साथ हम भी ग्रो हो सके और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।